नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम का एक प्रतिनिधि मंडल बांस मंडी स्थित हमराज कॉम्प्लेक्स के पीड़ित व्यापारियों से मिला व उनकी क्या मांगे हैं, इस पर विचार विमर्श किया। उनकी प्रमुख मांग, हमराज कॉम्प्लेक्स के ठीक पीछे बन रहे मार्केट में बिजली कनेक्शन अतिशीघ्र मुहैया कराया जाए जिससे उनका कारोबार फिर से शुरू हो सके, जिस पर स्थानीय बिजली विभाग कानूनी खाना पूरी के चक्कर अडंगा लगा रहा है। जिस पर फैम प्रतिनिधि मंडल के मध्य उत्तर प्रदेश प्रभारी मनोज गुप्ता जी ने कहा, अतिशीघ्र कनेक्शन शुरू कराने के लिए केस्को एमडी से मुलाकात कर निस्तारण कराने का वादा किया हुआ 10 लाख रुपए प्रति व्यापारी को मुआवजा 15 दिन में दिलाने की मांग भी सरकार से की है। साथ ही सभी हमराज कॉम्प्लेक्स सहित सभी कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के जो भी व्यापारी प्रभावित है उनका पूरे बसल का जीएसटी वसूली को स्थगित किया जाए क्योंकि उनके सभी कागजात खाता बही इत्यादि जल गए हैं, तथा सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दे कि बिना किसी जांच के अविलंब क्लेम पास करें। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख से फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम के मध्य उत्तर प्रदेश प्रभारी मनोज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष डा राजेश गर्ग, मंडल महामंत्री आलोक पांडेय, जिलाध्यक्ष कानपुर नगर मुकुल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष के पांडेय, जिला महामंत्री आशीष गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष संजय टिकलीकर, जिला मंत्री राहुल अग्रवाल, विधि सलाहकार मंत्री चेतन धवन, मध्य उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पीयूष गर्गवा, फैनमा औद्योगिक प्रकोष्ठ कानपुर के नगर अध्यक्ष सरदार कमलजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।